खनियादाना की एकमात्र गैस एजेंसी पर लगती है लंबी लंबी लाइन, फिर भी नहीं मिल रहे उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर। इन दिनों खनियादाना सहित आसपास के रसोई गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खनियादाना शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी जनपद पंचायत है, जिसके अंदर से 101 ग्राम पंचायत आती हैं और 500 से अधिक गाँव आते हैं। सबसे बड़ी बात है, सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद भी मात्र एक गैस एजेंसी माँ वैष्णो एजेंसी है। संचालक की मनमानी का शिकार 101 ग्राम पंचायत के 500 गाँव के उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। साथ ही किसानों को अपने खेतों में बुआई करना आदि काम उपभोक्ताओं को अपने जरूरी काम छोड़कर अल सुबह से ही गैस एजेंसी पर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। गौरतलब की बात यह है कि एक दिन में महज 90 सिलेंडर ही बांटे जाते हैं और कई उपभोक्ता ऐसे भी रह जाते हैं जो सुबह से लंबी लंबी लाइन में लगने के बाद भी बगैर सिलेंडर लिए वापस लौट जाते हैं। स्थिति इतनी विकट है कि बस स्टैंड से तहसील जाने वाला मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। आपको बता दें कि एक रसोई गैस सिलेंडर की शासकीय कीमत 882 रुपये है, पर एजेंसी संचालक द्वारा 885 रुपये लिए जाते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि एक रसोई गैस सिलेंडर पर 3 रुपये बचाए जा रहे हैं तो हजारों सिलेंडरों पर लाखों रुपये का मुनाफा कमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों को निशुल्क गैस सिलेंडर वितरण करने के आदेश केंद्र सरकार ने दिए थे, पर एजेंसी संचालक द्वारा इन हितग्राहियों से भी 1000 से 15000 रुपए वसूले हैं। सर, खनियादाना में एकमात्र गैस एजेंसी माँ वैष्णो गैस एजेंसी है। करीब 117 गाँव के यहाँ पंचायतें हैं और करीब 500 से ऊपर गाँव है और ऐसे उपभोक्ता एक ही एजेंसी के माध्यम से काफी परेशान हो रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगाने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इस बारे में आप एक ही एजेंसी है अपने यहाँ? देखो, मैं खाद्य विभाग से चर्चा करूंगा, हो सकता है एजेंसी के लिए और कोई सुविधा होगी तो मैं पब्लिक के हित में जरूर अच्छा निर्णय लूंगा। हो सके अभी कौन से इंडियन की है यहाँ, भारत वगैरह की कोई ऐसी एजेंसी है या तो, और मतलब पब्लिक को और अच्छा लग वो मिल जाएगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जनता के हित में, जैसा भी हो सकेगा मैं जरूर आपका ये संदेश ऊपर तक ले जाऊंगा और जितना हो सकेगा अपने पब्लिक के हित में एक एजेंसी की और कोशिश करेंगे। और क्या करें सर, सरकार की तरफ से 882 रुपए शासकीय राशि निर्धारित की गई है सिलेंडर की, मगर ये 885 और 890 रुपए वसूलते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए जब एक सिलेंडर पे 3 से 8 रुपए ज्यादा लेते हैं तो हजारों की संख्या में कितना होगा? मैं जो है प्रबंधक जो है एजेंसी का होगा उससे मैं बात करूंगा, यदि कोई ऐसी समस्या है तो मेरे को लिखित आदेश कोई हो ऑर्डर तो मेरे को दिलवा दे तो मैं उस पर जरूर विचार करके और ये ऐसी अनियमितता उसको जरूर खत्म करवाऊंगा। सर, क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? मैं बिल्कुल कार्रवाई रहेगी, जो अनियमित पैसा ले रहे हैं जनता से ये गलत लिया जा रहा है, उनको दंडात्मक कार्रवाई जो मेरे स्तर की पूरी पूरी करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय को भी मैं इस बात से अवगत कराऊंगा, जो मेरे को यदि आप लिखित कुछ दे जाएंगे इसकी मैं सच्चाई देख लूंगा और माननीय मैं कलेक्टर महोदय को भी इससे अवगत करा। एक इनका फरमान अलग से चलता है कि एक दिन में सिर्फ 90 सिलेंडर ही बांटे जाएंगे, ये अगर तो क्या ऐसे ऊपर से सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए? इसके बारे में मेरे को तो अभी विशेष विस्तृत जानकारी नहीं है, यदि ऐसा है या वो 90 ही क्यों दे रही है तो मैं बात करके बताऊंगा, एजेंसी में चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है और मैं बात करके बताऊंगा। कुल मिलाकर के पब्लिक को किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए, मेरा मेन उद्देश्य है।